भानुसुतं देवी प्रणमामि।
परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए आनंद कंद भगवान के जय। वृंदावन विहारी लाल के जय। राधा रानी के जय। जगत जननी के जय। ब्रह्म जी महाराज के जय। अपने अपने माता पिता के जय। अपने अपने गुरु गोविंद के जय। जय जय श्री राधे आनंद कंद वृंदावन मुरली मनोहर बांके बिहारी की असीम कृपा के फल स्वरूप अपने इस नौतन मोड़ पे ब्रह्म महाराज के दरबार में ब्रह्म महाराज के मंदिर के निर्माणार्थ हवनात्मक विष्णु सहस्र नाम याग का शुभारंभ हुआ और आज ब्रह्म महाराज के मंदिर के निर्माण के लिए ईंट रखा गया। पूरा क्षेत्र बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज दिख रहा था कि ब्रह्म महाराज के प्रति कितनी श्रद्धा है। लोग अपनी दुकानों को छोड़ करके यहां चले आए। व्यस्त रहने वाले डॉक्टर लोग वो हमारे आंख वाले डॉक्टर हों या हमारे राम प्यारे जी हों सभी लोग अपना अमूल्य समय यहां दिए। कुदाल से मिट्टी को कोड़ा ईंट रखे और सहयोग भी बहुत अच्छा किए। सहयोग के बारे में मैं जितना भी कहूं उतना ही कम क्योंकि यहां पे जो सहयोग हुआ है वो मेरी सोच से परे था। हमारे सुरेंद्र जी सुरेंद्र गौड़ जो मूर्ति वाले हैं जो मूर्ति बना करके अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं उन्होंने शुरुआत में 5001 रुपया दिया। उनके साथ साथ जो उनके मिस्त्री हैं जो बंगाल से आकर के यहां काम करते हैं जिनका नाम अशोक पाल है वो भी 1001 रुपए लाके दे गए। हमारे राम प्यारे जी 5500 रुपया भिजवा दिया। हमारे सतेंद्र साउंड जिनका साउंड आज तहलका मचा रहा है जहां भी जा रहे हैं वहां मान सम्मान और प्रतिष्ठा पा रहे हैं और आज उनका आवाज उनके साउंड का आवाज दूर दूर तक गूंज रहा है। अभी परसों चौथा रोज की बात है हथुआ से फोन आया और वहां लोगों ने कहा कि महाराज यहां के बच्चे कह रहे हैं कि हमको वही साउंड बांधना है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है क्यों वही बांधना है क्या हथुआ में साउंड नहीं है। लोगों ने कहा कि बच्चे कह रहे हैं कि उनको बजवा बड़ी तेज बोल रहा उनका साउंड बहुत अच्छा बज रहा था ज्यादा आवाज दे रहा था ऐसा साउंड हमें चाहिए। तो ये सतेंद्र डीजे विजयपुर जो हथुआ में करामात करके आए हैं वहां से फरमाइशी हो रही है कि महाराज उनका साटा बदवा दीजिए। और आज ब्रह्म महाराज के दरबार में सतेंद्र जी ने 4000 रुपए दिया 10 बोरी सीमेंट के लिए। बहुत बड़ी लिस्ट है जो आज लोगों ने सहयोग किया है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आइए सबसे पहले रसमय संकीर्तन का आयोजन हमने किया है कि हम लोग कुछ भजन
ब्रह्म महाराज के चरणों में अर्पित करें, क्योंकि आप ये जाने कि मर्त लोक है, यहां हम जो देते हैं वही पाते हैं। लेकिन कुछ हम जैसे मूर्ख लोग हैं, जो पहले आते हैं तो करने के बजाय मांगने की इच्छा रखते हैं कि ब्रह्म महाराज हमारा ही काम हो जाए, तो रौरा के एक गिलास दूध नहवाए वो, है ना? बताइए कितनी बड़ी मूर्खता है। क्या ब्रह्म महाराज एक गिलास दूध के लिए आपका बड़ा काम कर देंगे? आप उनको लालच लेने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ब्रह्म महाराज एक गिलास दूध के लिए आपका करोड़ों का काम पूरा कर देंगे? अरे तुम आओ, पहले एक गिलास दूध नहीं आधा गिलास दूध चढ़ाओ, माथा टेको और निवेदन करो कि महाराज आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे और मैं जो चाहता हूं मेरा काम पूर्ण हो जाए, अवश्य पूर्ण होगा। लेकिन हम जैसे लोग क्या करते हैं, पहले कहते हैं हो जाए तब बाबा रौरा के एक गिलास दूध, और अपने लोग कहते हैं कि जब ले एक किलो दूध हमारा नाम मिलेला महाराज हमारा संतोष, अपने लइकवा खाते 2 किलो दूध हम रोज मंगाए नी, 3 किलो दूध का रोज चाय में खपत हो जाला हमारे यहाँ। तो अपने यहाँ लोग 1 किलो 2 किलो 3 किलो दूध चाय में पिला देते हैं और करोड़ों का काम है तो ब्रह्म महाराज से कहते हैं कि हमार कार हो जाए तरोरा के एक गिलास दूध। बताइए तो हम जैसे मूर्ख लोग हैं जो इस तरह की बात सोचते हैं, जबकि ये सत्य है कि जो हम देते हैं वही पाते हैं। आज हम सुखी हैं तो हमने किसी को सुख दिया है तो आज हम सुखी हैं। आज हम दुखी हैं, हमने किसी को दुख दिया है तब आज दुखी हैं। और ये भी सत्य है कि आज किसी को सुख दे रहे हैं तो कल हमें सुख मिलना है। आज हम किसी को दुख दे रहे हैं तो कल हमें दुख है, क्योंकि हम जो देते हैं वही पाते हैं। तो आज ब्रह्म महाराज के दरबार में हम लोग रसमय संकेत कुर्सी को चौकियां हैं इधर करवा दीजिए, लोगों को बैठने के लिए सवेरे कुर्सी की व्यवस्था भरपूर हो जाएगी। थोड़ा कुर्सी उनका चला गया है ब्लॉक में, कल से भरपूर कुर्सी मिल जाएगी। और हाँ, और लोग नीचे बैठे, आप लोग भी बैठ जाओ, आइए इधर बैठते हैं, बैठने का आनंद ही कुछ और है। दरबार है भगवान का, थोड़ा सा मन लगाएंगे, मन बिल्कुल भगवान में लग जाएगा तो नीचे जो ठंडा है ना उसका भी आभास नहीं होगा। ओके, बैठा जाए 10 मिनट, क्योंकि मैं ठंडी को देखते हुए रसमय संकीर्तन का कार्यक्रम रखा है, कोई कथा का कार्यक्रम, कोई झांकी का कार्यक्रम हमें नहीं रखा है। बस कार्यक्रम है किसका, तो रसमय संकीर्तन 2-4-5 भजन होगा, हम लोग आरती कर लेंगे, इतना ही काम है। ब्रह्म महाराज के चरणों में निवेदन करना है। और देखिए एक ये कॉपी वहां पहुंचा दिया जाए, जब मैं मांगूंगा तो फिर दीजिएगा। अनु बाबू उधर ही वहां जवाहर भाई को दीजिए, चाहे गुप्ता जी हैं हमारे, विनोद गुप्ता जी ना, हाँ विनोद गुप्ता जी, हाँ नोट करिए। और हमारे यादव जी के कारण हुआ, राजेंद्र यादव जी विजयपुर से, देखिए विजयपुर से राजेंद्र यादव जी बाबा के दरबार में पहुंच चुके हैं और 125 रुपया भगवान के श्री चरणों में अर्पण भी कर दिया है। हाँ नोट कर लिया जाए, राजेंद्र ये कौन दिया है? नहीं आ? 105 है। अच्छा 105 आपका है, 23 रुपया किसका है? अच्छा किसी माता जी का है। चलिए तो 105 राजेंद्र यादव जी का और 20 रुपया किसी माता जी ने दिया है। हाँ उसको गुप्त दान में 20 रुपया लिख लेंगे, 105 राजेंद्र यादव जी और मुकेश यादव जी। देखिए हमारा मुकेश लाइन मैन मुकेश यादव विजयपुर अरोबी पोखरे पे इतनी दूर से यहाँ आकर के, और देखिए ब्रह्म महाराज के दरबार में 100 रुपए का सहयोग प्रदान किए हैं मुकेश यादव, 100 रुपया।
आइए हम सभी लोग प्रेम से संकीर्तन करके मीठी ताली बजाएंगे, क्योंकि कीर्तन ताली बजा के ही करना चाहिए। सभी लोग प्रेम से ताली बजाएंगे और गाएंगे। राम राघव 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 कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाही मां कृष्ण केशव पाही राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा राम राघव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाही मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाही मां हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे बोले आनंद गंध भगवान की जय आदिशक्ति भगवती परामा जगदम्बा के जय आइए आदिशक्ति भगवती माँ जगदम्बा के श्री चरणों में शरण आते हैं और माँ से कहते हैं मैया देर न हो जाए आ जाओ और आकर के हमारे इस कार्य को पूर्ण करो क्योंकि हम लोगों ने ठान लिया है कि महाराज का मंदिर जरूर बनाएंगे मंदिर बना के ही रहेंगे ऐसा ठानना है क्योंकि हम अज्ञानी लोग हैं कभी कभी ठान लेते हैं और ठानेंगे भी किससे माता पिता से ही ना प्रभु परमात्मा से ही ना तो हमने ठान लिया है अब इस ठान को पूरा करना परमात्मा का काम है आइए आदिशक्ति भगवती से निवेदन करते हैं देर न हो जाए मैया देर न हो जाए देर न हो जाए मैया देर न हो जाए Thank you.
और मेरी मां तो नौतन मोड़ पे ही बैठी हुई है।
सबकी इच्छा पूर्ण करने वाली माँ जो इस नौतन मोड़ पे भी विराजमान है, सारे भक्त माँ की अर्चना और वंदना करते हैं। अभी यज्ञ संपन्न हुआ, देखने वाले देखते रह गए कि वाह क्या भीड़ है, कैसे परिक्रमा होती है, कितनी श्रद्धा होती है, कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, कैसे परिक्रमा करनी चाहिए। लोगों ने सीखा तो इस नौतन मोड़ से सीखा, इस मां के प्रति कितनी भक्ति है लोगों ने देखा। भोर से परिक्रमा में भीड़ जो होती उसका कोई जवाब नहीं होता, परिक्रमा तो रुकता ही नहीं, लेकिन सुबह तो इंतजार करना होता कि थोड़ी सी भीड़ इसमें से निकल जाए तब मैं घुसूं परिक्रमा करने के लिए। तो मेरी माँ बिल्कुल साक्षात आदिशक्ति भगवती यहाँ विराजमान है और वो इस कार्य को देख रही है, और मुझे विश्वास है कि मैया हम लोग की इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए मैं माँ से हमेशा कहता हूं कि माँ जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, नहीं तो कौन जानता था मुझे है? पिंटू बाबा कहाँ के रहने वाले, कौन जानता था, कोई नहीं जानता था। लेकिन जिस दिन से माँ की कृपा हुई और माँ की थोड़ी सी तिरछी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो आज संसार जानेगा, आज क्षेत्र क्या, जिला क्या। मोबाइल है, नाम हो गया। आइए माँ के चरणों में समर्पित है। Thank you.
महिमा निराली है। मेरी मां का कोई जवाब नहीं, बस आवश्यकता है मां के चरणों में सिर झुकाने की। जो व्यक्ति श्रद्धा से मां के चरणों में सिर झुकाता है उसकी नैया पार लगा देती है, वो मेरी मां है, इसमें कोई संशय नहीं। आइए प्रभु के चरणों में एक बार बताते हैं और कहते हैं, ब्रह्म महाराज आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी है, आप ही की कृपा है कि सारा काम आगे बढ़ रहा है। आज 5 दिन का कार्यक्रम नौपर तौर पर रखा गया है और यही 5 दिन का कार्यक्रम मिश्र बंधौरा में रखा गया था, जिसमें कोई व्यवस्था नहीं थी, बस मंदिर के निर्माण के लिए कार्यक्रम कर देना था। मंदिर के कार्यक्रम के लिए कोई व्यवस्था नहीं, बस बैठना था। और 4 दिनों में जो मिश्र बंधौरा ने किया वो आज तक का रिकॉर्ड है कि वो कार्यक्रम जिसमें बैटरी इन्वर्टर से लेकर के सीसीटीवी कैमरा तक लोगों ने दे दिया। और ये कार्यक्रम छठ के अगले दिन से शुरू हुआ था, छठ को पूर्णाहुति हुई थी कि शुरू हुआ था। अच्छा, छठ को पूर्णाहुति हुए थे एक दिन पहले, है ना, और 4 दिनों में सारी व्यवस्था हुई और आज वो मंदिर पूर्ण हो चुका है। एक बार जोरदार ताली हो जाए विश्व बंधौरा के लिए कि जहां के लोगों ने उतना सुंदर गुंबज, बहुत ऊंचा गुंबज भोले बाबा का, जो गांव में यादव जी लोग हैं और शर्मा जी लोग हैं, उनके दरवाजे पे मंदिर बना हुआ है,
जीर्ण पड़ा हुआ था और आज वो मंदिर का गुंबज अपने मेन रोड से दिखाई पड़ रहा है, झलक रहा है, डेंट पेंट हो रहा है, भीतर का भी बहुत सारा काम उसमें लगभग 12 ग्रिल था, दरवाजे थे, 15-16 पंखा वहां मिल गया। मैंने कहा कि जहां कुछ नहीं हुआ उसने ही सीसीटीवी कैमरा ला के दिया। आरती जो बजता है, आरती में जो ऑटोमेटिक होता है, वो सब लोगों ने मतलब सब कुछ यही विष्णुदेव जी हैं जो हमारे मुखिया जी हैं, इन्होंने कहा कि चलिए मैं बैटरी और इन्वर्टर इस मंदिर के लिए दूंगा, मोटर पानी की टंकी हर चीज मात्र 4 रात्रि में वहां लोगों ने दिया और वो मंदिर अब पूर्णता के तरफ है, काम चल रहा है। आशा है कि बहुत जल्दी मतलब टाइल्स वेल्स भी लग जाएगा। मेन काम गुंबज का हो चुका है, प्लास्टर हो चुका है, नीचे का प्लास्टर हो चुका है, मंदिर के गर्भ का काम चल रहा है, सारे काम पूर्ण हो जाएंगे और आज हम लोग ने इस नौतन मोड़ पे कार्यक्रम शुरू किए और आज दिन में ही लोगों ने पूरा मुझे हल्का कर दिया। बाबू अनुत्था वो कॉपी दिखाइएगा वीरेंद्र जी के पास से, आज लोगों ने हमें पूरा हल्का कर दिया। अन्य जगहों पे दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन लोग आकर के सहयोग करते हैं और मुझे दिखता है कि अब हमें पूर्णता की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो गुरु महाराज की ऐसी कृपा है कि जो पहले ही मेरा कार्यक्रम पूर्ण होकर नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले जवाहरलाल कोयला वाले, आज तो आलू वाले भी हो गए हैं, अब इस समय तो मटर का छिम्मी और टमाटर वाले भी हो गए हैं। तो हमारे जवाहर जी ने शुरुआत की और एक ताली ईंट और 510 रुपया देकर के शुरू किया। इनका ईटा पूर्ण रूप से गुंबज में लगेगा, क्योंकि एक नंबर का बिल्कुल अच्छा ईटा है जो गुंबज में काम में आएगा। और 510 रुपया देकर के इन्होंने कार्यक्रम को शुरू किया। इसके बाद हमारे ओम प्रकाश सिंह जी जो नौतन से आज रास्ते से जा रहे थे और उन्हें साइकिल रोका या गाड़ी रोकी मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन वहां से 51 रुपया भेज दिया। इसके बाद हमारे सुभाष यादव जी जो भूवर भाई है, हमारे संत जी लोग यहाँ आए हुए थे, उनके लिए केला सेब संतरा सब ला के दिया। रघुनाथ भगत जी जो परशुराम से हैं, उन्होंने 15 किलो चावल और 501 रुपया बाबा के मंदिर के निर्माणार्थ यहाँ पे आकर के दिया। इसके बाद हमारे रामाकांत मिश्र जी हरिहरपुर से आए और उन्होंने 101 रुपया दिया, 101 रुपया दिया। और देखिए इसके बाद से जब ईंट रखने की बारी आई, वहीं से शुरुआत हुआ। हमारे सुरेंद्र गौर जी जो मूर्ति वाले हैं, 5001 रुपया दिया। सचेंद्र यादव जी साउंड वाले, 10 बोरी सीमेंट का दाम 4000 रुपया जमा किया। सुकद यादव जी सुमेरपुर से, जिन्होंने 11 बोरी सीमेंट कल के लिए कह दिया कि महाराज कल मंगा लीजिएगा अमित सिंह जी के यहां से। सूरज यादव विजयपुर जो पंकज यादव जी के बाबा जी हैं, 101 रुपया चढ़ाने के लिए दिया। मैंने कहा चलिए मंदिर में नाम लिखवाइए, 101 रुपया उन्होंने दिया। मोहनलाल दर्जी हमारे जो मोहनलाल श्रीवास्तव जी हैं, जो ये सवंत के पिताजी हैं हरिहरपुर से, 302 रुपया दिए, 100 रुपया और देंगे एक बोरी सीमेंट के लिए। प्रेम पतेसिया जी प्रेम भाई आए, 110 रुपया दिया, 5 बोरी सीमेंट दिया। और इस समय जो आप लोग खीर पाने जा रहे हैं ना, जो प्रसाद के लिए खीर बना हुआ है, बाबू जल्दी जल्दी इसको वितरण भी कराते रहिए। जो लोग हैं उनको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार खीर पिलाते रहिए,
क्योंकि खीर जाते हैं संख्या कम है, तो खीर के लिए दूध हमारे प्रेम भाई ने भेजा, जोगिंदर यादव ने 10 किलो चावल भेजा खीर के लिए। इसके बाद से अशोक पाल जी बंगाल वाले 1001 रुपया दिया। सत्तन गुप्ता जी आए नौतनमाड़ से, इन्होंने 5 बोरी सीमेंट 111 रुपया दिया। सीमेंट भी बोल दिया कि कल परसों में आप जल चाहे तब मना लीजिए। विनोद गोड़ की माता जी हमारे सुरेंद्र जी की भाभी, और ये हमारे छोटे बच्चे हैं, क्या नाम है आपका? ये आकाश, बड़ा भाई विनोद है ना, विनोद और ये छामो शमे, ये बच्चे हैं, इनकी मां की तरफ से 501 रुपया मिला। और एक बात और बता दें कि हमारा जो अशोक है, इसने कहा है आज अभी शाम के समय में कि गुरु जी हमारे यहाँ बिक्री पड़ोगा, आधा ताली बिक्री हमारे यहाँ से लगवा कर मना ले भैया कहले। वाह देखिए, 501 रुपया अपनी माँ के नाम से दिया, और इसके बाद ये कह रहा है कि गिट्टी पड़लवा लदवा के मंगा ले, आधा ताली के मतलब ये तो नहीं। जब एक नौजवान जगह जाते हैं तो थोड़ा और लगता है, और वो भी गिट्टी वापस करना है, उतना बचा हुआ है। लेकिन इधर था कि नहीं, उसमें से आधा ताली गिट्टी, जबकि हमारे संजय जी जो विनोद जी के बड़े भाई हैं, हीरो के पिताजी, इन्होंने कह दिया है कि जितना भी गिट्टी लगेगा हम देंगे। अमित सिंह से भी कह दिया है कि जितना गिट्टी लगे आपको हम भिजवाते रहिएगा, हम हिसाब कर देंगे। लेकिन श्रद्धा है, और ये गिट्टी भी हमारे विनोद जी का लगेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके बाद से सदीक भाई 111 रुपया दिया, और हमारे अमरीश जो अपने बाबा जी के नाम से, गोविंद सिंह जी के नाम से 11 बोरी सीमेंट और 25 किलो चावल उन्हें दे दिया है। विनोद गुप्ता जी देखिए, जो हमारे रिंग वाले हैं राम प्यारे जी के बगल में, इन्होंने कहा कि 2100 रुपया गुरु जी हमारे तरफ से रहेगा। हमने कहा कि आप रिंग वाले हैं तो हम लोग नुकसान में जाएंगे, आप रिंग ही हमें दीजिए, क्योंकि रिंग की आवश्यकता है। बोले महाराज दे देंगे। हमने कहा जितना होगा उतना ही दीजिए। बोले कि 31-32 किलो मान के चलिए कि 2100 में हो जाएगा। हमने कहा तो 35 किलो दे दीजिए। ये बोले कि जब चाहे तब मंगा ले। हमने कहा 10 किलो आज भेज दीजिए, और जब जब घटेगा तो 35 किलो तो हम लोग मंगाते रहेंगे। तो इन्होंने 11 किलो 500 भेजा, 11.5 किलो रिंग। बच्चे गए तो भी लेके आए, लेकिन बोले कि 11 किलो ही लिखवाइएगा, आधा किलो का कोई बात नहीं है। तो हमारे विनोद जी जो हमारे बीच इस बैठे हुए हैं, विनोद गुप्ता जी नौतनवो 35 किलो रिंग। इसके बाद राम समझ चौरसिया जी नौतन से 1011 रुपया इन्होंने प्रदान किया। फिर अशोक गुप्ता जी हमारे जो पेट्रोल पंप वाले हैं, त्रिवेणी सेठ जी के सुपुत्र हैं, नौतनमोह से उन्होंने 1 ताली ईंट का वादा किया, वो भी कल ही भेजने की बात कर दिए। और राजेंद्र भाई ने 105 रुपया दिया। मुकेश यादव जी ने 100 रुपया दिया। और यहाँ हमारे राम प्यारे जी डॉक्टर साहब 5500 रुपये उन्होंने मेरे पास भिजवा दिया। राम प्यारे जी और भाई जिसका नाम छूट गया हो, मैं जो दिए हैं उनका तो मैं नाम बोल दिया हो, हो सकता है कुछ लोग और भी दिए हो जिनका नाम नहीं लिखा पाया हो, वो आके प्रणाम जरूर लिखवा लेंगे। क्योंकि कभी कभी बातों में आदमी उलझ जाता है तो उसका नाम नहीं लिख पाता है, वो गलतियां हो सकती है। तो हमारे राम प्यारे जी डॉक्टर साहब 5500 रुपया इस मंदिर के निमित्त उन्होंने दे दिया। हमने कहा कि चलिए अब तो बहुत अच्छा हो गया, इतने पैसे आ गए, मंदिर का काम शुरू हो सकता है, अब इसके पीछे नहीं रहना है। और देखिए हमारे
तकनीस बच्चे से आ जाए आदित्य मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक बापी बाबा विदेशी जिनको पूरे लोग दिमागी लाल कहते हैं है? क्यों सूरज सभी लोग दिमागी लाल कहते हैं और हमारे दिनेश भाई ने बहुत अच्छा योगदान किया जो मारण घाट आज शिव मंदिर निर्माण चल रहा है जो गुंबद का प्लास्टर होते हुए नीचे आ रहा है सबसे ऊपर का जो पहला जो भाड़ा था वो खुल गया अब प्लास्टर करते हुए मिस्त्री भाई नीचे उतर रहे हैं उस मंदिर को शुरू करना था यही दिमागी लाल जी हैं जो हमारे अभी यहाँ आए थे हनुमान जी हमारे गोपाल जी इनसे बोले कि कहाँ फटा था रहा चल जा पिंटो को बैठ जाओ मंदिर तैयार हो जाएगा इन्होंने भेजा और आज वो मंदिर पूर्णता की तरफ जा रहा है आवास बन गया मंदिर दो मंजिला तैयार हो गया प्लास्टर का भी लगभग काम हो चुका है टाइल्स का काम लगने वाला है इसी 15 से 5 दिन का अनुष्ठान करके वहां भगवान को स्थापित कर दिया जाएगा ये सब काम चालू है तो इस सब कामों के जड़ में है तो हमारे दिमागी लाल जी हैं हमारे दिनेश जी हैं और इनके तरफ से 5 मनुष्य मिलते एक जोरदार ताली तो हो जाएगा और देखिए ताली बजाने में कभी पीछे ताली उसके नाम पे बजाना है जो हमारे ब्रह्म महाराज के लिए सहयोग कर रहा हो जो चोरी करता हो उसके लिए ताली नहीं बजाना है जो दूसरों की निंदा करता हो उसके लिए ताली नहीं बजाना है जो हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचता हो उसके लिए ताली नहीं बजाना है लेकिन जो अच्छा कर रहा हो उसके नाम पे ताली जरूर बजा देना है दिनेश देसिया जी 5 मनुष्य मिनट कब आई कल ले आ जाएंगे तो एक बात और हम लोग बहुत चलाते हैं हम लोगों को सीमेंट नहीं मांग रहे हैं सीमेंट चाहिए उसका पर्ची चाहिए किसी के यहाँ पैसा जमा करके वो अमित सिंह जी हो चाहे और कोई भी हो वहां से एक रिसिप्ट हमको दे दीजिए सीमेंट की जब हमें आवश्यकता पड़ेगी हम जाके लेते आएंगे क्योंकि मान लीजिए 100 बोरा सीमेंट पहले ही रख दे तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे सब किया जा खराब हो जा तो जितना सीमेंट हमने क्या हो सकता लगी उतना मंगावो तो भर जाइए तो हमने कभी रिसीविंग खाली चाहिए जिकरा छोड़ सड़ देवे तो वो अमित सिंह क्या मिल जाओ जिकरा रिंग देवे तो हमारे गुप्ता चीज से जाके रिसीविंग लिया के दे रहे हो काम आगे बढ़त रहे के चाहिए तो हमारे दिनेश मध्यसिया जी 5 बोरी सीमेंट और बाबू का नाम क्या है 10 बोरी सीमेंट आ गया देखिए अभी मैं लिखा ही नहीं हूं जयराम हाँ ये सीमेंट किसका है नाम बताइए 10 बोरी सीमेंट जो मंदिर पे आ चुका है इस समय धीरेंद्र गुप्ता जी किसके बेटे हैं नाम बताइए हाँ देखिए चंदन जी जो हमारे यजमान हैं ये मारण घाट के भी शिव मंदिर के यजमान रहे और यहाँ भी यजमान हैं और इनके पुत्र ने धीरेन्द्र गुप्ता जी ने 10 बोरी सीमेंट इस समय ला करके दे दिया है एक बार जोरदार ताली हो जाए धीरेन्द्र गुप्ता के लिए जिनका सीमेंट पहली बार ब्रह्म महाराज के मंदिर में लगने वाला है जैसे हमारे दिमागी लाल जी ने कहा था कि मेरे पास गिट्टी है उठा ले जा गोपाल पहला गिट्टी हमारे लागो हमारे पास इतना सामान पड़ा हुआ है और हुआ और आज सब हो रहा है यहाँ भी धीरेन्द्र गुप्ता जी ने 10 बोरी सीमेंट इस समय टेम्पू तय करके इन बच्चों को लगा करके जयराम हो महाकाल हो वो गणेश हो और कौन है रमेश यादव विजयपुर ये सारे लोग गए सब लदवा के लेके चले जाए और यहाँ माल गिरना शुरू हो गया है तो धीरेन्द्र गुप्ता जी 10 बोरी सीमेंट जमा हो चुका है आज के दिन में 19/1/2023 के डेट में तो इस प्रकार से लगातार काम चल रहा है और कल से ही मंदिर का काम तेजी से शुरू हो जाएगा
इन 5 दिनों में ही मंदिर दिखने लगेगा, ये हम लोगों का प्रयास है और बाबा का आशीर्वाद है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, आज हमारे जवाहिर भाई अमित सिंह से कह रहे थे कि महाराज आप सामान दीजिए। वो बोले कि सामान की कमी नहीं होगी, पैसे के लिए अभाव में सामान नहीं रुकेगा, ये मेरा वादा है, आप लोग काम कराइए। जवाहिर भाई ने कहा कि अमित बाबू तनको दिलेगा की आवश्यकता नहीं के, इन्हें चंदा के बाद जितना घटी उन्हें आधा पिंटू बाबा और आधा हम उनका दे दिया जाए, और पैसा फंसे वाला मंदिर के नाम पे नहीं थे। और आज ये निश्चित हो गया कि मंदिर के छत तक कोई भी काम रुकने वाला, वो सीमेंट हो, बालू हो, छड़ हो, क्योंकि मुझे विश्वास है कि नौतन मोड़ है। इस क्षेत्र के लोग बाबा से कितना प्रेम करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा लोग देंगे तो मंदिर का निर्माण हो जाएगा। और इसके बाद कृष्णा गुप्ता, कृष्णा जनरेटर वाले ज्वाला भाई के लड़के कृष्णा गुप्ता आए और उन्होंने कहा कि महाराज हमरो सीमेंट वाली जाओ, 3 बोरी सीमेंट उन्होंने दे दिया, जोरदार ताली हो जाएगा जो सवेरे वो आ जाएगा। कृष्णा गुप्ता नौतर मोड़ 3 बोरी सीमेंट, जोरदार ताली हो जाए। और आइए अब परमात्मा के पास चलते हैं और मैं कहूंगा कि जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। आइए बोले अरविंद कृष्ण भगवान के, Yeah.
हाँ ध्यान दीजिए बाबू, आप लोग एक एक दोना मत खिलाइए, बार बार दीजिए। हाँ जब तक वो दोनों हाथ जोड़ के खड़ा ना हो जाए तब तक खीर खिलाते रहिए। हाँ खीर में कोई कमी नहीं है, इसलिए भरपूर एक काम और है, हम लोग को सब आना भी है ना। हाँ तो दोनों काम करना है, वो खाएंगे तो वो सधेगा भी और हमारा काम भी पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि खीर खिला के तब सहयोग लेना है। हाँ तेरी लीला तेरे भजनों को सदा गाती Thank you.
कितनी अच्छी बात है, जीवन में सरकार तेरी सरकारी में हमें रख लेना, मेरे श्याम तेरे दरबारी में। आइए अब हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु बस आप अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखना, बस तुम्हारी कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे, क्योंकि हम जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। कम में प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। आइए प्रभु से कहते हैं और एक बात और जानिए कि हम लोग आज का भजन ब्रह्म महाराज के चरणों में समर्पित करने वाले हैं। आज ये कार्यक्रम किसी को सुनाने के लिए नहीं हो रहा है, हम लोग जो कार्यक्रम आज का कर रहे हैं वो ब्रह्म महाराज को सुना रहे हैं। तुम्हारा आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे है। और हम लोग जो चाह रहे हैं वो पूर्ण हो रहा है। आपका मंदिर बाबा दिव्य तैयार हो रहा है, ऐसी इच्छा है, क्योंकि इसीलिए कार्यक्रम है, ये छोटा सा कार्यक्रम है, ये यहाँ भीड़ में नहीं जाना है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं भीड़ तो नहीं है, अरे क्यों भीड़ होगा, ये भीड़ वाला कार्यक्रम नहीं है। जो भीड़ वाला कार्यक्रम है आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे, वहां भीड़ दिखाया जाता है, वहां भीड़ होती है, लेकिन यहाँ भीड़ क्या हो सकता, जब बाबा का मंदिर तैयार हो जाएगा तब इसी जगह पे कार्यक्रम होगा और भीड़ होगी। यहाँ तो बस देने वालों की हो सकता है, बस देने वालों को बुलाना है और बाबा उसे बुलाएंगे और अपना मंदिर बनवा लेंगे। तो ये जो भजन का कार्यक्रम है ब्रह्म महाराज के चरणों में समर्पित है। आइए हम कहते हैं हे परमात्मा, जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। Thank you.
जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। आइए अब राष्ट्र भजन हम लोग इस समय भगवान के श्री चरणों में अर्पण करेंगे। तो जवाहर भाई अब लास्ट भजन अर्पण करते हैं। आज पहला दिन है, इतने लोग काफी हैं, इतना भजन भी बेहतर है। बना कल समय से हम लोग बैठेंगे और कल समय से भगवान को, ब्रह्म महाराज को भजन सुनाएंगे और भजन का फल भी मांगेंगे। फल वो होगा कि बाबा ऐसा आशीर्वाद दें कि आपका मंदिर जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। और मैं विशेष रूप से जो कार्यकर्ता है गणेश जी, अरे गणेश जी सुनिए, है नहीं? कल के ये विशेष काम है कि कल यहाँ पूरा सामान दिखना चाहिए,
जो संजय जो सुभाष जी हैं सतेंद्र सुभाष उनका पिकअप कर लेना है, और एक बार दो बार तीन बार चार बार में जो भी 2000 ईटा है जवाहिर भाई के यहाँ से उठा के लेके चले आना है। एक बात ध्यान रखिए कि जो जान देने के लिए कहते हैं उसको फट से दे लीजिए, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, कितना इसे समझाए। क्यों जवाहिर भाई, कहीं मन में आ गया छोड़ा, अब का भी रह गया 16,000 के ईटा बार, एक ताले ईटा कहला में एक बुझाता लिम्बा कितना। तो जब कोई कह दे कि महाराज ये सामान ले लिया जाए तो फट से भाड़ा करके, ठीक है, थोड़ा और रुपया अपनी ओर से लगा के गाड़ी घोड़ा ले जाके फटाफट लाद के लेके लिया के बाबा के लगे दरबार में खड़ा कर देना। क्या हो सकता बाबा, इनमें कोनो दूर आए तो कल वो ईटा वहां से आ जाना चाहिए। ईटा अशोक भाई का कल आ ही जाएगा, गिट्टी अमित बाबू गिरा देंगे, बालू भी गिरा देंगे, छड़ा जाएगा। कल से काम तेजी से शुरू कर देना है, जितना जोर लगाना है लगा लीजिए। सुबेरे तहरी का प्रसाद बनेगा, क्योंकि चावल है अपने पास और आलू के ठेकेदार हम लोग के सामने बैठे हैं। जवाहिर भाई कल दिन दे तहरी बनेगा यार, तो आलू आप लोग जाके लेते रहिएगा हिसाब से, तो उनको भी ज्यादा नुकसान ना हो और यहाँ भी नुकसान ना हो, जितना बन जाए। और आलू चिंता रहेगा, आलू की चिंता नहीं है, और उसमें गोभी वोभी और पूरा बना के ठीक ना खूब बढ़िया तहरी बना देना है, कि जो भी यहाँ कार्यकर्ता है वो घर भोजन करने के लिए ना जाए, और जो भी हमारे लोग आते हैं भक्त लोग जो आएंगे उनको जरूर एक दो ना, ये इस जगह का प्रसाद यही है, फल यही है कि यहाँ कुछ ना कुछ सबको देना है, जो आए वो खाली ना जाए। चाय की व्यवस्था यहाँ कर देनी है, जयराम जी चाय की व्यवस्था कल सुबह से कर देनी है, जो लोग आए ठंडी का समय है कब चाय उनको पिलाया जाए, क्योंकि सुबह से भगवान का पूजन होगा, विष्णु सहस्त्र नाम से हवन होगा, ये सब काम तो चलता ही रहेगा, लेकिन जो आए उनका यहाँ सम्मान होता रहे। तहरी का प्रसाद प्लस चाय, और इसके साथ साथ मंदिर के निर्माण का भी कार्य है। कल मिस्त्री समय से 7 बजे आ जाएंगे, क्योंकि उनको अपने ड्यूटी पे भी जाना है। मारण घाट पे जो गुम्बज बना रहे हैं उसी मिस्त्री को हम लोगों ने ये काम सौंपा है, तो कल सवेरे वो थोड़ा सा नाप जोख लेंगे और दूसरे मिस्त्री को लगा देंगे कि आप इस काम को आगे बढ़ाइए, वो अपना गुम्बज वाला काम करेंगे मारण घाट पे, फिर समय से आके वो देखते सुनते रहेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी तेजी से काम को आगे बढ़ाया जाए। आइए सबसे लास्ट भजन ब्रह्म महाराज के श्री चरणों में हम लोग अर्पण करेंगे और कहेंगे कि मेरे परमात्मा मेरे ब्रह्म महाराज आपसे हमारा नाता जरूर है। क्यों? क्योंकि आप इस हरिहरपुर में रह गए, नौतन मोड़ पे रह गए। सच्चाई ये है कि बाबा जिस खानदान के हैं वो लोग चित्रौली में हैं, आनंद पांडे जी के परिवार में इसमें लोग हैं, वो पांडे परिवार है बाबा का स्थान। लेकिन जब ये अगस्त पार से लोग हरिहरपुर में आए तो बाबा साथ में आए, बाबा यहाँ रहे, ये लोग यहाँ से उठ के चित्रौली चले गए, और बाबा को बड़ी ही मन्नत किए कि महाराज चलिए चित्रौली में रहिए, वहां कोई कमी नहीं होगी। लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, मैं नौतन मोड़ पे हूं और नौतन मोड़ पे रहूंगा, तुम लोगों को हमारे आशीर्वाद की आवश्यकता होगी तो वहां से आना और हमारी सेवा करके। अब सोचिए जो ब्रह्म महाराज नौतन मोड़ को छोड़ करके चित्रौली नहीं है, उनके घरों में भी पिंडी बनी हुई है, तो बाबा ने कहा कि चलो कभी कभी तुम लोग यहाँ आ जाया करेंगे, लेकिन हमारा अस्थाई वास कहाँ होगा? नौतन मोड़ पे होगा। तो बाबा ने अपने पूरे परिवार को छोड़ा हमारे लिए, हम क्षेत्रवासियों के लिए, तो हमारा भी तो कुछ दायित्व बनता है। वहां से लोग आते हैं, पूजन पाठ करते हैं, निवेदन करके जाते हैं। आज भी आनंद पांडे जी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हम लोग बिल्कुल समर्पित हैं बाबा के लिए, जैसे आदेश होगा वैसे हम लोग आपका साथ देंगे। और आज ये सारा काम आगे बढ़ रहा है, तो आइए
हम बाबा से कहें कि बाबा आपके साथ कोई कोई संबंध तो जरूर है, तभी आपकी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। आप नौतन मोड़ को छोड़ करके छिपराती नहीं जा रहे हैं, आप हमारे बीच में रह रहे हैं, हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, आपसे कोई रिश्ता तो जरूर है। Thank you.
अपने अपने माता पिता के अपने